करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों आज की जो वैकेंसी है ये वैकेंसी NHPC डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर वर्क करता है और नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और जो भी कैंडिडेट हमारे के इसके लिए एलिजिबल है वो वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, और जो एलिजिबल नहीं है वीडियो को लाइक करके स्किप कर दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी क्वालिफिकेशन और ब्रांच ज़रूर मेंशन करें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपकी क्वालिफिकेशन और ब्रांच से रिलेवेंट आ पाए। साथ ही गाइस अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, एंड टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में भी पिन की गई है। गाइस देखिए इस वैकेंसी के लिए हमारे फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अगर आप टोटली बिल्कुल फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस हैं दोनों कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे। और गाइस यहाँ पर आप लोगों की बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट रहने वाली है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले रिक्रूटमेंट को देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ हमने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है NHPC लिमिटेड की तरफ से जो आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पर जो आप लोगों के सामने शो हो रहा है यहाँ जो आपका पोस्ट है वो देखने के लिए मिलेगा, पे स्केल, मिनिमम क्वालिफिकेशन, एंड यहाँ आपको एज लिमिट देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं। इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा क्योंकि गाइज आप लोग अगर एलिजिबल होते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली जो वैकेंसी है ट्रेनिंग इंजीनियर की है, तो गाइज इसमें हमारे फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ट्रेनिंग इंजीनियर मतलब फ्रेशर, जहाँ ट्रेनी आ गया तो वहाँ फ्रेशर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। सिविल वाले एलिजिबल रहेंगे, 50,000 आपका स्टार्टिंग पैकेज है, 1,60,000 तक मैक्सिमम रहेगा। फुल टाइम BE BTech आपका होना चाहिए, BSc है अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही सिविल ब्रांच से होनी चाहिए। और गाइज आपके 60% मार्क्स यहाँ पर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे अगर गाइज आप लोगों ने AMI में इनरोल कर रखा है तो 60% मार्क्स के यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, 60% मार्क्स होना यहाँ पर ज़रूरी है। टोटल पोस्ट 136 दी गई हैं, बाकी आपका कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट ट्रेनिंग इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, फुल टाइम BE BTech इलेक्ट्रिकल से किया है या फिर BSc कर रखा है आप लोगों ने, यहाँ डिग्री की है आप सभी ने इलेक्ट्रिकल से, तो अप्लाई कर सकते हैं 60% मार्क्स के साथ में। बाकी देखिए यहाँ देखेंगे आप सभी नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, हाई वोल्टेज पावर, इन सभी को इंक्लूड करने के बाद आप लोगों के पास यहाँ इनसे रिलेवेंट कोई भी क्वालिफिकेशन है तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 41 वैकेंसी दी गई हैं। ट्रेनिंग इंजीनियर की वैकेंसी है मैकेनिकल वालों के लिए, जिसमें BE BTech मैकेनिकल वाले प्लस BSc वाले एलिजिबल रहेंगे। 60% मार्क्स होना यहाँ ज़रूरी है, 108 वैकेंसी निकाली गई हैं। और यहाँ मैकेनिकल, प्रोडक्शन, थर्मल मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये सभी ब्रांच वाले एलिजिबल रहेंगे। ट्रेनिंग ऑफिसियर फाइनेंस में, ये हमारे जैसे CA, चार्टर्ड अकाउंट वगैरह हमारे जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए निकाली गई है, जिसमें 99 वैकेंसी रखी गई है, ये नॉन टेक्निकल स्टूडेंट के लिए है। इसी तरीके से ये भी नॉन टेक्निकल स्टूडेंट के लिए रखी गई है। ट्रेनी की इसमें 50,000 स्टार्टिंग पैकेज है। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एलिजिबल रहेंगे, अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है तो आप लोग एलिजिबल रहेंगे। बाकी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए किस किस रिलेवेंट फील्ड में है। ये गाइस जो वैकेंसी है ये नॉन टेक्निकल वालों के लिए है। नेक्स्ट देखेंगे ट्रेनी ऑफिसर की, ये भी हमारे नॉन टेक्निकल वालों के लिए, फुल टाइम आपके पास LLB वगैरह होना चाहिए, ठीक है। तीन पोस्ट निकाली गई हैं, यहाँ आपकी जो अलग अलग जो हमारे PWD कैंडिडेट हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया किस तरीके से रिजर्वेशन दिया जाता है। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहने वाला है मेरिट लिस्ट के आधार पर। और गाइस जैसे हमारे जो भी कैंडिडेट हैं ट्रेनी वाले, चाहे सिविल वाले हों या इलेक्ट्रिकल वाले या मैकेनिकल वाले, NHPC में आपका जो सिलेक्शन होने वाला है गेट 2022 के अकॉर्डिंग होने वाला है। तो जो हमारे गेट 2022 का यहाँ पर एग्ज़ाम होगा आप लोगों का, उसके आधार पर ही यहाँ सेलेक्ट किया जाएगा। उसमें जितने मार्क्स आप लोगों ने गेन किए जाएंगे उसके आधार पर मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, देन आप लोग का यहाँ सिलेक्शन होगा। अब देखिए यहाँ सिविल वाले हो या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, उसके आधार पर पूरा पूरा टोटली आप लोगों को सिलेक्शन डिपेंड करता है। आपने अगर वहाँ पर अच्छी मेहनत करके अच्छे से यहाँ पर क्वालिफिकेशन की होगी, पास आउट किया होगा, तो आप लोग यहाँ एलिजिबल रहेंगे। बाकी रिलैक्सेशन आप लोगों को गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग दिया जाता है। गाइस प्लेसमेंट आप लोग देख सकते हैं, अलग अलग यहाँ लोकेशन दी जाती है। और जो हमारे कैंडिडेट फाइनेंस वाले हैं उनका भी देखिए सेम ही प्रोसेस रहने वाला है। फाइनेंस वाले यहाँ से देख सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन अपने अकॉर्डिंग, हम यहाँ
पर टेक्निकल वालों की मोस्टली बात करेंगे। बाकी देखिए यहाँ पर देखेंगे क्वालिफिकेशन एंड यहाँ ट्रेनी वालों के लिए, तो आप लोग का देखिए गेट स्कोर कार्ड के आधार पर ही सिलेक्शन होगा। रिजर्वेशन जो हमारे एससी एसटी हैं उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ओबीसी वालों के लिए 3 साल का, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का, और यहाँ कुछ रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। जैसे देखिए एससी एसटी पी और ओबीसी के लिए 40% इस तरीके से आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। यहाँ गाइस अप्लाई किस तरीके से करना है, अप्लाई करने की लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। बाकी सिंपली ये आपका टोटली गेट एग्जाम के आधार पर है और इसकी स्टार्टिंग डेट जो है 5 जनवरी है। तो गाइस ये 5 जनवरी से स्टार्ट होंगे, अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले ही अपडेट दे दी है, तो आप लोगों को यहाँ सबसे पहले अपडेट मिल जाएगी। और देखिए 5 जनवरी 2023 से ये फॉर्म स्टार्ट होंगे सुबह के 10 बजे से, और लास्ट डेट 25 जनवरी 2023 दी गई है और लगभग 11:55 पर ये इसका लिंक ऑफ होगा। बाकी देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताया भी गया है किस तरीके से ये फॉर्म फिल करना है। जैसे फर्स्टली आप लोगों को इस लिंक पे जाके लॉगिन करना होगा, लॉगिन करने के बाद क्लिक ऑन कैरियर जेन टैब, फिर सेकंड स्टेप में रीड इंस्ट्रक्शन, और देन थर्ड स्टेप में आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है, फोर्थ स्टेप में ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों को वहाँ अपलोड करके पूरा फॉर्म फिल करना है। इस तरीके से आप लोग का पूरा फॉर्म फिल होगा। देखिए इधर नेक्स्ट आप को यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी, ये भी देख लीजिए। और बाकी देखिए 5 स्टेप में आप लोग स्कैन वगैरह करेंगे, सेक्स जो आपका 6 स्टेप है, 7 स्टेप है, ये सारे आपको फॉलो करना बताया गया है। यहाँ देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन, इसमें हमारे ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, को कहीं से भी हैं, सभी अप्लाई करेंगे, ओनली आप लोग इंडियन होने चाहिए। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये कैंडिडेट हमारे एलिजिबल रहेंगे। बाकी देखिए गाइस आप लोग यहाँ ग्रेजुएट कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। ग्रेजुएट कैंडिडेट अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को देख लेना कि आप लोग कौन से कैंडिडेट यहाँ एलिजिबल हैं। स्टार्टिंग डेट लास्ट डेट दी गई है, यहाँ स्टार्टिंग डेट आपको देखने के लिए मिल जाएगी 5 जनवरी 2023, लास्ट डेट देखने के लिए मिलेगी 25 जनवरी 2023। अब देखिए मैं आप लोगों को इसकी मेन ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलती हूँ जहाँ से आप लोगों को ये अप्लाई करना है। तो चलिए हम लोग इस लिंक पे जाकर क्लिक करते हैं। तो गाइस हम लोग इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर आ चुके हैं। यहाँ आप लोगों को बहुत सारे नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएंगे, जो लेटेस्ट जॉब आती हैं यहीं पर आप सभी को सारी जॉब मिल जाएंगी। बाकी देखिए आप लोगों को यहाँ से डाउनलोड करने का भी ज़रूरत नहीं है, आपको टेलीग्राम पर इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ से सारे रीड मोर पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, मेरा नेट थोड़ा स्लो है, आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। और बाकी देखिए आप लोग टेलीग्राम से कर लीजिए। तो इस तरीके से कुछ आप लोगों को सारे नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएंगे। जो भी नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है वहाँ से रीड कीजिए, और उसके आगे आप लोगों को अप्लाई लिंक भी मिल जाएगी, वहाँ से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस आप लोगों को बाकी मैं अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से जाकर आप लोग अप्लाई कर लीजिए। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इससे पहले मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताना चाहूँगी, इसमें जो भी हमारे फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो ज़रूर अप्लाई करें इस वीडियो को, और गाइस अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे कि किसी की भी ये वैकेंसी छूटे ना, बहुत ही अच्छी वैकेंसी रहने वाली है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक यू।